Hey guys, assalamualaikum, you all watching जिम मैनियक। मैं हूं कासिम अली। मेरे साथ घोंसले से उठाया हुआ एक नन्ना मुन्ना राही देश का सिपाही हाथी मंसी नहीं एंग्री बर्ड नहीं। जो आज सब छुट्टियों पे हैं जी, तो गर्मी का मौसम जैसे जैसे बढ़ गया वैसे वैसे वो बरसाती हम उनको ये नहीं कहेंगे, हम बस यही कहेंगे जवाब भाई आप आ जाए यहाँ। तो आज का वर्कआउट जी, आज का वर्कआउट है हमारा बाइट्राई का, बाइसेप और ट्राइसेप का। तो हम जिम की तरफ निकल रहे हैं जी, कोशिश करेंगे जाके कि कुछ अच्छी सी रूटीन हो जाए। गर्मी में पॉसिबल नहीं है कि कुछ अच्छा लग सके, लेकिन इधर पाकिस्तान में तो मत मार दी है जी गर्मी ने। आवाज आर सी दुनिया से उठाया हुआ एक पंछी। ठीक है जी, गेम की तरफ चलते हैं इंशाल्लाह। आज की हमारी जो रूटीन है बाइसेप और ट्राइसेप की, कोशिश करेंगे कि बाइसेप की हम आज गोली की गेम करें जी। तो गोली की गेम के लिए जी आज ये हमारी पहली एक्सरसाइज है, इसको गोली का डंबल ही कहते हैं जी कॉमन जबान में हमारे यहाँ पे। तो इसके तीन सेट लगाने हैं आपने। कोशिश कीजिएगा कि वेट नॉर्मल रखें, क्योंकि गर्मी जितनी ज़्यादा हुई हुई है इस टाइम वेट पॉसिबल नहीं है कि आप ज़्यादा मैक्सिमम लगा सकें, उससे आपका मसल भी ज़ाया हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि आप वेट कम लगाएं। रेपिटेशन जो है वो आपने 8 से 10 रखनी है। ये हमारी दूसरी एक्सरसाइज है। सेकेंड एक्सरसाइज कर्लिंग रॉड है जी, इसमें भी आपने रेपिटेशन जो है वो 8 से 10 ही है मैक्सिमम, और वेट आपने अपनी हैसियत के मुताबिक नॉर्मल वेट लगाना है। सेट जो है वो हर एक्सरसाइज के 3 ही हैं। तीसरी एक्सरसाइज हमारी जी सिंगल डंबल है, 1 by 1 आपने बैठ के या खड़े होकर जैसे आप इजी हो आप लगा सकते हैं। हमने कोशिश यही की है कि वेट को नॉर्मल रखा जाए, नॉर्मल से भी कम उठाएं, एटलीस्ट आप जितना ईजीली लगा सकें। सो डेट कि यार गर्मी की वजह से ज़्यादा गेम इंटेंसिटी की होती नहीं है और मसल भी आपका ज़ाया हो सकता है, इसलिए सिर्फ अभी तो मसल की शेप के लिए थोड़ा सा हो सकता है पॉसिबल, तो उसके लिए बेहतर ये है कि आप वेट कम लगाइएगा। चौथी गेम हमारी जी प्रीचिंग रॉड है, ये कोशिश की थी हमने पंगे करने की। लास्ट सेट थोड़ा शेयर किया आपके साथ, इसमें ज़रा वेट मैक्सिमम लगा बैठे थे हम, लेकिन कोशिश कीजिएगा आप दोबारा कि आप नॉर्मल ही वेट रखें अपना। इसमें भी 8 से 10 रेपिटेशन हैं। ये चौथी गेम थी हमारी बाइसेप के लिए। पाँचवीं और लास्ट गेम बाइसेप के लिए होगी जी हैमर। 1 by 1 आपने हैमर लगाने हैं। थोड़े से शोल्डर उठा लीजिएगा, इस वीडियो के शुरू में मैंने कोशिश की है दिखाने की, तो दोबारा नोट कीजिएगा कि थोड़े से शोल्डर उठा के और आपने हाफ ऊपर लेके आना, बस ज़्यादा नहीं इसको लेके जाना। इसके बाद हमारी ट्राइसेप की है जी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाएगी। ट्राइसेप के लिए कटिंग के लिए बेहतरीन एक्सरसाइज हमने कोशिश की है शेयर करने की आपके साथ। इसकी 3 से 4 गेम्स शेयर करेंगे। इसमें भी सेम आपने वेट नॉर्मल रखना है अपना, जितना आप इजीली लगा सकें, और रेपिटेशंस 8 से 10, इससे ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं लगाने आपने। जितना स्मूथली लेके चलेंगे गेम को ना ही आप इजीली मसल रिकवर भी कर सकेंगे अपना। सेकंड गेम ट्राइसेप के लिए जी माथा रोड है, ये जो कॉमन जबान यहाँ पे हमारे यहाँ पे यूज़ किए जाते हैं वर्ड्स, उसी तरह लेके चलेंगे इनको। इसके अभी 3 सेट हैं। कोशिश कीजिएगा कि आप अपने माथे तक इसको रखें, लेकिन मथे जो मारना नहीं है आपने, सिर्फ मथे तक रखना है इन। ये ट्राइसेप की 3री गेम है। ये कटिंग के लिए बहुत अच्छी गेम है जी। इसमें भी आपने नॉर्मल ही वेट रखना है, नॉर्मल से भी थोड़ा कम रखिएगा। इसमें भी रेपिटेशंस आपके 8 से 10, इससे ज़्यादा रेपिटेशंस नहीं होने चाहिए। एंगल्स को लेके हमने पहले भी कुछ वीडियोज़ में अपने शेयर किए हैं, आप उसमें भी चेक कर सकते हैं। मज़ीद इंशाल्लाह प्लेलिस्ट में हम ऐड करेंगे हाउ टू प्ले के, किस तरह किसी भी गेम के लिए कोई एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज के लिए कोई चीज़ ऐड की जा सकती है, उसका एंगल क्या होना चाहिए बेस्ट से बेस्ट, और किन चीज़ों से बचना चाहिए। ये आज की हमारी आखिरी एक्सरसाइज है जी ट्राइसेप के लिए भी, और ओवरऑल हमारी गेम के लिए भी डायमंड पुशअप्स। इसमें भी आपने 3 सेट ही लगाने हैं। रेपिटेशन इसके 10 से 12 रखिएगा, इसमें भी आपने बस मैक्सिमम 12 तक, इससे ज़्यादा नहीं। ये था जी आज का हमारा कंप्लीट वर्कआउट। होपफुली इंशाल्लाह आप पसंद करेंगे इसको। मज़ीद आप कोई भी सजेशन अपनी हमें कमेंट सेक्शन में शेयर कर दीजिएगा जी। अपना और अपनी डाइट का लाजमी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।